मैं हूँ अभी घर के पीछे वाली हिस्सा में, जिसे हमारे यहाँ बाड़ी बोलो जात है। अगर थोड़ी भी देर धूप में आई तो मेरी पूरी स्किन काली हो जात है। और मैं यहाँ आ गई थी 8 बजे, मिखला को 10 बजे तक हो जा है पूरा काम, पर मक्का कोई ऐसी हेलो नमस्ते वेलकम राम राम, स्वागत है सबको हमारे एक और नए ब्लॉग की वीडियो से। और आज की मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सवेरे के 8 बजे से। मैं हूँ अभी घर के पीछे वाली हिस्सा में, जिसे हमारे यहाँ बाड़ी बोलो जात है, जिसमें हम सब्जी भाजी कोई भी चीज़ जो घर के किनारे हैं वो लगा दे थे, ताकि यहीं से तोड़ के और यहीं से निकालने लान काम पड़े बनान। अभी मैं हूँ यहाँ जहाँ मक्का की फसल लगी थी हमारी, जो कि पूरी बर्बाद हो गई है। पानी और हवा एक साथ आने से पूरी नीचे गिर गई है, तो मैं एक काट के साफ कर दी थी यहाँ से। अच्छी नहीं लग रही है जी यहाँ से पूरी। बैक कैमराज दिखा दूँ, पूरी फसल जो बर्बाद हो गई हमारी, पूरे झाड़ नीचे आड़े गिर गए हैं, और गिरने के कारण पूरे भट्टा ख़राब हो गए इनके। कुछ चूहन खा लें, कुछ पक्षी ने खा लें हैं। यहाँ देख सकते हो कुछ ही झाड़ दिख रहे हैं जो खड़े हैं, बाकी पूरे झाड़ नीचे गिर गए हैं। और बहुत कम ही झाड़ हैं जो खड़े खड़े हैं, बाकी सब आड़े टेढ़े गिर गए हैं, और जिन्हें काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। और यहाँ बहुत सारी बेला फैल गई हैं, जो कद्दू की भी हैं, कचरिया की है, लौकी की है, ये सब बेला मक्का नीचे गिरने के कारण से यहाँ मक्का के झाड़ के ऊपर फैल गई हैं। नहीं तो ये सब झाड़ के पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, या फिर बहुत कम फैल पाते हैं। देख सकते हो मैं नीचे से काट रही हूँ, और मुझे कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन्हें काटने में, एक एक के ढूंढ ढूंढ के। बहुत ज़्यादा फसल ख़राब हो गई है एक साथ पानी और हवा आने के कारण से। और जब पानी और हवा एक साथ आई थी, तब भुट्टा में दाना नहीं आए थे, थोड़े बहुत ही दाना आए थे, नहीं तो ज़्यादा दाना आए नहीं थे भुट्टा में। तो उसके कारण से जो है भुट्टा ज़्यादा बड़े भी नहीं हो पाए, और ज़्यादा दाना इनमें भरे भी नहीं हैं। और जितने भरे थे उतने भी नीचे गिरे रहने के कारण से, या तो चूहन ने खा लिया, या नीचे गिरे थे तो पक्षी के काफ़ी आसानी होती नीचे से खाने में, नीचे झाड़ पड़े पड़े रहने में। तो बहुत ज़्यादा नुकसान है इस साल मक्का की फसल के, जो पोला पिठोरा कहो जात है उस टाइम में हवा तूफान और बहुत ज़्यादा तेज पानी आउट हो। और यहाँ मैं अभी मेरे बाजू वाली जो दीदी हैं उनसे बात करने में लगी हूँ, काम भी हो रहा है और बात भी हो रही है हमारी, यहाँ हम दोनों बोल भी रहे हैं। और ये बेला है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है काटने में, अगर फसल खड़ी रहती तो आधा से एक घंटा को काम थो इतनी सी जगह को। और जो नीचे गिरे रहने से दिक्कत भी है, और काटने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है एक एक झाड़ ढूंढने में। बहुत पहले ही झाड़ नीचे गिर गए थे, तो बाकी जो घास है, चारा है, बेला है, वो सब बड़ी बड़ी हो गई हैं। मैंने मोबाइल स्टैंड पे लगा दी थी, जिसकी वजह से मैंने दिखाई नहीं कि मैं किन से बात कर रही थी। अगर कोई कैमरा पकड़न वाले होते मोबाइल, तो मैं आजू बाजू को भी नज़ारा अपने काम के साथ साथ दिखा जाती, पर मैंने कैमरा स्टैंड पे लगा दी थी, तो कैमरा जहाँ सेट थो वहीं पे बस देख पाते, तो वहीं को नज़ारा। और जो है हमारी मक्का की फसल, भुट्टा जब हमें लगते तब हम हरे थे, तो तोड़ के ला के यहीं से लाओ, यहीं भूंजो खाओ, बालों काम है करके घर के पास में थोड़ी बहुत मक्का लगा लिए थे। वैसे यहाँ सब्जी भाजी लगाते पहले तो, पर अब ज़्यादा सब्जी भाजी नहीं लगा रहे हैं, आइट साइड में और भी जगह खाली है वहाँ पे लगा दिए थे जो जो ज़रूरी है। और दिख ही रही है अभी कितनी सब्ज़ी निकल रही है,
बेला तो इतनी सारी हैं पर सब्जी बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। कद्दू के बेला इतने दिन से लगी है, उनमें फूल आ रहे हैं मगर कद्दू बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। मक्का काटत काटत मैं पहुंच गई हूँ पीछे वाले हिस्सा में। अब मेरी मक्का की कटाई एंडिंग में है। वैसे तो पीछे हमारा खेत है और खेत में बहुत सारी मक्का लगी है। हम मक्का काटन के लान है और खेत के और भी काम के लान मज़दूर लेके आते हैं, पर जो थोड़ो सो ही काम थो तो अपन इतो थोड़ो बहुत काम तो अपने घर को कर ही सकते हैं। थोड़ो सो काम थो तो मैं ही काट लेती हूँ, इखे बहुत ज़्यादा नहीं थो, बस 1-2 घंटा को काम थो, पर गिरने के कारण से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग दो पूरे दिन को। और मेरी मक्का की जो कटाई है वो अब एंडिंग में है और आगे से तो मक्का थोड़ी ठीक थी पर पीछे से बहुत ज़्यादा घास थी इनमें और मक्का के झाड़ जो है वो बहुत कम थे, घास बहुत ज़्यादा थी। सामने सामने हमने जब छोटे थे तब घास की चारा उखाड़ लाए थे और पीछे जब थो नहीं चारा, बाद में फिर पीछे कोई ने आके देखो नहीं इतना ज़्यादा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा घास है। थोड़े बहुत झाड़ अभी खड़े हैं, खड़े हुए झाड़ के बाद में दिखे यहाँ कितनी ज़्यादा घास लगी है। और जो नीम को पेड़ है, पेड़ के नीचे से एक ही छाँव और एक ही डांगिल जितनी दूर तक रहे थे वहाँ तक फसल नहीं रह गए, तो एक ही नीचे से भी बहुत ज़्यादा घास उग जाते हैं जो कि है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी। अभी ये जो बड़े बड़े झाड़ दिख रहे हैं ये घास के ही हैं, जिन्हें हमारे यहाँ भर्रू बोलो जाते हैं। तुम्हारे यहाँ का बोलत है वो हमें पता नहीं है पर इन्हें हमारे यहाँ भर्रू बोलो जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा दिन की हो गई हैं तो इनके जो इनमें जो रेशा रहे थे भुआ बोलो जाते हमारे यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा हाथ में गड़ रहे थे और जिनसे हाथ में बहुत ज़्यादा और भी दूसरे झाड़ या दूसरी चीज़ पकड़ने में दर्द हो, तो बिल्कुल बारीक बारीक सफ़ेद सफ़ेद रहे थे और हाथ में अगर गड़ जाते हैं तो निकलने में बहुत दिक्कत होते हैं इन्हें। जो हाथों में बहुत ज़्यादा तकलीफ कर रहे थे यहाँ और बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। मैं अगर थोड़ी भी देर धूप में आई तो मेरी पूरी स्किन काली हो जाती है। और मैं यहाँ आ गई थी 8 बजे, मिखला को 10 बजे तक हो जाए पूरा काम, पर मक्का कोई ऐसी आड़ी टेढ़ी गिरने के कारण से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया काटने में। और अभी यही काम ख़त्म नहीं भाव है, इन्हें उठा के ले जाने हैं और ले जाने के बाद फिर इनमें से भुट्टा तोड़ के अलग करने हैं, फिर पंखा छीलने हैं, तो बहुत टाइम लगा है। और मेरे पीछे जो घास दिख रही है मैं ला के मैं बांधूँ अभी गैया, वैसे तो मेरे से आन की नहीं पर कोशिश करूँ लान की। वो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि गाँव के 4 चक्कर लगवा दे है मैं से ही। इतने ज़्यादा टाइम मेरी मेहनत करनो आधी तो बेकार है, कहे कि 10 में से 1 ही भुट्टा सही है, बाकी गिरने के कारण से या तो चूहा ने खा गए हैं या पक्षी ने खा गए हैं। और मैं थोड़ी सी भी छाई में आके बैठ रही हूँ तो खून पीन वाले जो जीव हैं मच्छर वो हालत ख़राब कर दे रहे हैं बिल्कुल जी, खून निकलने लगो। मैंने यहाँ थोड़ा सा खुजा लिया मच्छर के काटने से, तो बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं। तो मैं चलत हूँ घर, अभी वजन वाले हैं 12, तो नहानो धोनो कपड़ा, बाकी सारे काम मेरे बाकी हैं घर के, फिर जो बाकी जो काम है मक्का उठान वालों तो वो मैं करूँ शाम के टाइम। अभी चलत हैं घर, मिलत है फिर। नहाने धोने खाने पीने के बाद फिर से मेरी तैयारी हो गई है, मेरे सुबह को अधूरा काम जो रह गया था वो पूरा करन की, और सबको खाना चालू हो गया था। मैं लेट हो गई थी तो मैंने कपड़ा धुली जल्दी जल्दी में, साड़ी डालने भूल गई, पूरे कपड़ा सूख गए, साड़ी गीली थी जो अब भी डाली हूँ, और कपड़ा सूख गए हैं जिन्हें उठा के रख गए हैं और बाकी डले हैं। और मैं ले जा रही हूँ भुट्टा तोड़न डलिया, देख के नहीं लगन को कि ये डलिया है, पर जो डलिया है जिखे हमने कपड़ा पहना दें है, बिना कपड़े पहना अच्छी नहीं लगती बेचारी, तो एक है हमने पहना दें है कपड़ा जे बोरी का कपड़ा पहनी है। गैया हमारी बंधी है जहाँ के वहीं, अगर मैं उखे छोड़ के लाती
तो वो मैं गांव के चार चक्कर लगवा दी थी मैं बिठाल के ओके ऊपर, इतनी स्पीड तेज है उसकी, बहुत ज़्यादा स्पीड तेज है। जी आए हैं चरण, इतनी बड़ी बड़ी गैया है हमारे घर और भी, तो जे वाली गैया चल रही हैं चारा, और वो जो बंधी है वो खिला के ले जाती हूँ मैं जे कड़वा से भुट्टा तोड़ के, इनके भुट्टा तोड़ लूँ और फिर जे वाली कड़वा ले जा कर डाल हूँ जहाँ बंधी है वहीं पे। मैं खिलागो थो कि जो काम सवेरे पूरा काम 2 घंटा में हो जाए, पर 2 घंटा में होना मुश्किल है, कहने में और करने में बहुत अंतर है। अभी होगा है शाम को टाइम, अभी शाम के 3 बज रहे हैं, पर बादल के कारण धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है और बादल भी बहुत बने हैं। बैक कैमरा करके दिखा दूँ बैक कैमरा से, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है बिल्कुल पानी वाला मौसम हो जाए और पानी आने लगे ऐसा लग रहा है। तो मैं पहले यहाँ आ गई है छाँव, पहले यहीं के भुट्टा तोड़ लेती हूँ और जे वाली कड़वा ले जाकर डाल लेत गैया के। यहाँ मैं एक जो ढीक पहले से लगो थो के भुट्टा तोड़ के हो गए हैं, जो दूसरे ढीक में मेरी भुट्टा तोड़ना चालू है, और यहाँ मेरे साथ कुत्ता भी है जो कि बहुत मस्ती कर रहा है, और मैं किन्ने स्टैंड पे मोबाइल लगाई हूँ जो कि मुझे डर लग रहा है कि जो गिरा ना दे, बार बार इतने उतर हो रहा है और जो बीच बीच में मेरे काम में बहुत परेशान कर रहा है। आगे देखने जो कैसे बीच बीच में आके खड़ो हो जा रहा है। मैं कोई झाड़ उठा रही हूँ मक्का तोड़न भुट्टा तोड़न, तो जो उन्हें मुँह में दबा ले रहा है ऐसे ही, और भी आगे बढ़ने पीछे जाने के बाद में जो गाय के बछड़ा और बछड़ी हैं बेबी ऐसे ही करते हैं, बेबी भुट्टा नहीं तोड़न देते। तो मैं बीच में ही पहले ही स्टैंड में मोबाइल लगाई थी तो वीडियो की एंडिंग कर दी हूँ। वैसे तो मुझे भुट्टा तोड़न तक काफ़ी शाम हो गई थी, और मैं फिर से मेरे साइड वाले से बात कर रही हूँ। यहाँ वे भैया दीदी सब हैं तो ये बोल रहे हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ कि भुट्टा तो सब ख़राब हो गए हैं और तोड़ कह रहे हैं रहन दो वहीं करके वे बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि सवेरे से काम में लगे हो, खाना आना खा लो चाय पी लो। जे मैं उन्हें दिखा रही हूँ भुट्टा कि तुम्हारे रिश्तेदार ने पूरे भुट्टा खा लाए हैं, और वे मेरे से कह रहे हैं हमारे रिश्तेदार और तुम्हारे रिश्तेदार कौन से अलग अलग हैं। और यहाँ चल रही है हमारी गपशप भुट्टा खेले के और भी कामन खेले के, और यहाँ मच्छर के काटना चालू हो गया है। शाम हो या सुबह हो मच्छर तो पूरे टाइम बहुत ज़्यादा परेशान करत है। हमारे घर इतनी बड़ी बड़ी गैया हैं, एक जे है और एक और जे है, इनकी माँ गई हैं जंगल, और जंगल हमारे यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर है, तो जे उतना चल नहीं पावे तो जे घर में ही रहे थे, और जे मैं मारन दौड़न के लाग बिल्कुल तैयार है कि मैं पास में जाऊँ और जे मेरे पीछे दौड़े। और मेरे भुट्टा तोड़ के हो गए हैं, अभी शाम के बज रहे हैं 5, और मक्का के झाड़ की धार इतनी पैनी रहे थे जी, पत्ती की किनारी बहुत ज़्यादा पहनी रहे, मैं पता भी नहीं चलो कि मेरे हाथ में कब कट गया और कब जे खून आने लगो जो। कब मेरे हाथ इतना ज़्यादा कट गया और कब खून आने लगो, सुबह यहाँ कटो थो और पीछे साइड में कटे थे, और अभी इतना ज़्यादा कट के खून आने लगो जो दो दो जगह से, इतनी तेज़ धार है
मक्का की पत्ती की, बहुत मेरे भुट्टा तोड़ के हो गए हैं। थोड़ी देर अगर बाहर निकले धूप में तो सकल पे 12 बज जाते हैं। अभी तो खैर शाम होने लगी है, पर दोपहर के टाइम में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगती। तो आज की वीडियो के इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिनने ना करे हों, और अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देखें। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी जो वीडियो है वो हमारी क्षेत्रीय भाषा में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लाने राम राम, धन्यवाद।